नमस्कार, सलाम अलैकुम, राम राम, सत श्री अकाल। तो मेरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे, लॉकडाउन को अच्छे तरीके से पालन कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जो कि है मनीष का टेक्नोलॉजी का पहला वीडियो। और ये जो वीडियो है, ये है बेसिकली Q&A वीडियो। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली मेरे वीडियो, जब भी मैं वीडियो में कभी कभी कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसमें एक सवाल आता है कि मेरी कार में इस तरीके से प्रॉब्लम है, या मेरी कार में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, या मैंने इस तरीके से उसको चेक किया हुआ है, अब ये कैसे सॉल्व होगी। तो अगर मैं उस चीज़ को कमेंट करके रिप्लाई करता हूँ उस कमेंट का, तो होता क्या है, वो कमेंट बेसिकली वही बंदे तक पहुँच पाता है और कोई अदर बंदा उस कमेंट को नहीं पढ़ पाता है कभी कभी, या कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं तो वो उनके काम की बात होती है उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम पे एक ऐसा वीडियो भी पोस्ट किया जाए, जैसे कि बेसिकली मान लीजिए कल को मेरी ही कार में कोई प्रॉब्लम आती है, और मेरी कार में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अब मुझे आपको बताना है कि बैटरी वगैरह आप चेक कीजिए जो भी है। तो अगर मैं उस चीज़ का अगर एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, तो होगा क्या कि जिन लोगों को रियल में ज़रूरत होगी, यानी कि किसी और की भी बंदे की कार में भी अगर वो प्रॉब्लम आई होगी, तो कम से कम वो बंदा वीडियो देख के, उस वीडियो को देख करके वो चीज़ें कर सकता होगा, या फिर उसकी जो एक तरीके से काफ़ी एक्स्ट्रा जो पैसे लग जाते हैं टेक्नीशियन लोग जो बेवकूफ़ बना करके, या काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट में आजकल काफ़ी फ्रॉड चल रहा है, जो कि मेरे पास केसेस आते हैं, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि एक छोटे से काम के लिए, जो मैंने छोटा सा काम किया उसके लिए लोगों ने उनसे काफ़ी पैसे छीन लिए, इस तरीके की फ्रॉड ना हो पाए। ओके, तो मेरा उद्देश्य है इसी एक Q&A वीडियो को सपोर्ट करना, यानी कि इसको वीडियो को अपलोड करना। मैं यही चाहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि Q&A आज का ये पहला वीडियो। और आज है संडे, और तो आज की डेट है वो है 12 अप्रैल, और आज का जो दिन है वो है संडे। और आज की जो पहली वीडियो का जो कमेंट है वो है इस तरीके से, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर जो कमेंट हमें किया है वो किया है आबिद अली ने, मनीष सर VCDS से ही स्कैन होती है क्या ऑडी? तो मेरा जो जवाब है, वैसे तो मैंने रिप्लाई किया था जल्दी Q&A पे वीडियो आएगा सर, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑडी कार आप VCDS से भी स्कैन कर सकते हैं। एक ODIS टूल आता है जो कि ODI का ओरिजिनल टूल है, बेसिकली VCDS भी ओरिजिनल टूल है, लॉन्च भी एक ओरिजिनल टूल है, लेकिन ODI के लिए रिकमेंड टूल है वो ODIS है। और ODIS टूल आता है जो कि कंपनी में यूज होता है, यानी कि ODI के वर्कशॉप में जो टूल यूज होता है वही टूल है। तो ODIS से भी कार स्कैन होती है, और VCDS से भी कार स्कैन होती है, लॉन्च से भी कार स्कैन होती है, यानी कोई भी टूल हो, आप अगर एक छोटा सा OBD टूल लेंगे तो उससे भी ODI जो कार है वो भी स्कैन होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो VCDS से ही होगी, यानी कि जितने भी टूल होते हैं वो सभी टूलों से कार स्कैन हो सकती है ODI। ओके, तो जो दूसरा जो कमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर रवि कुमार जी ने हमें कमेंट किया है, वर्रा है, सुबह सुबह धुआं देती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो मैं आपको बता दूँ रवि जी, इस कार में बेसिकली सुबह सुबह मॉर्निंग में जब कार ब्लैक स्मोक या वाइट स्मोक देती है, जब उसके अंदर कम्बशन सही या प्रॉपर नहीं हो, कम्बशन का मतलब यानी कि उसके अंदर जो इंजन में फायर होता है, डीजल और एयर की जो मिक्सिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो कार स्मोक बनाएगी। तो आपकी कार जैसे कि ये सुबह सुबह धुआं देती है, लेकिन आपने इसमें ये नहीं लिखा कि धुआं कैसा देती है वो। ज़्यादातर बेसिकली सुबह सुबह मॉर्निंग में कार वाइट स्मोक देती है, अगर वाइट स्मोक देती है तो आप उसके फ्यूल इंजेक्टर चेक कराइए, या फिर आप उसकी वाल सील चेक कराइए, क्योंकि अगर स्टीम सील लीकेज होगी, वाल सील अगर लीकेज होगी, तो होगा कि वाल पर जो इंजन ऑयल आ जाता है तो उसकी वजह से वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती है। और अगर इंजेक्टर की डिलीवरी सही नहीं होगी, या इंजेक्टर में कचरा आ जाएगा, नोजल में कचरा आ जाएगा, तो भी सुबह सुबह मॉर्निंग में कार धुआं देगी। जैसे ही कार गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो फ्यूल टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो इंजेक्टर परफेक्टली काम करने लगता है, तो स्मोक बंद हो जाता है। अच्छा, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, वोल्क्सवैगन वेंटो 2011 मॉडल डीजल इंजन की लाइफ कितनी होगी? और ये हमें कमेंट किया है इट्स मे कैफ। तो मैं आपको बता दूँ, वोल्क्सवैगन वेंटो बेसिकली मेरे पास जो अभी तक कार आई हुई है, मैंने तो अभी तक मोस्टली वेंटो का 3.5-4 लाख तक किलोमीटर इंजन चला हुआ देखा हुआ है, और इससे ऊपर की कार अभी तक मेरे पास नहीं आई हुई है। मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि जो कार मेरे पास सर्विस के लिए आती है, तो मोस्टली मैंने अभी तक 3.5-4 तक ही मैंने वेंटो का इंजन चला हुआ देखा है, उससे ऊपर की कार अभी तक मेरे पास तो नहीं आई है। बाकी का इंजन की अगर कोई लाइफ नहीं होती, आप अगर उसको सही से मेंटेन करते हैं तो आप इंजन को काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं। ओके, तो अगला जो कमेंट है वो है ओवेस कादरी, महिंद्रा कॉन्ट्रो की डोर ओपन वार्निंग इंजन स्टार्ट होने के बाद भी मीटर में ही ऑन रहती है। तो मैं आपको बता दूं, डोर वार्निंग लाइट जो होती है बेसिकली वो एक डोर का स्विच होता है, यानी कि डोर ओपन और क्लोज का एक स्विच होता है जो कि डोर पे ही लगा होता है। अगर वो स्विच शॉर्ट हो जाएगा, या उसकी वायर काट देगा, या चूहे वगैरह जब भी वायर काट देते हैं, रेट वगैरह उसकी वायर काट देते हैं, तो होता क्या बेसिकली वो लाइट है वो डायरेक्ट हो जाती है। तो वो आप एक तरीके से आप उसका या तो डोर स्विच चेक कराइए किसी टेक्नीशियन से, या फिर उसकी वायरिंग चेक कराइए। ओके,
तो अगला जो कमेंट है हमें किया है साहे आलम ने, वो है, सर मेरा एक सवाल है, अगर गाड़ी के इंजेक्टर का करंट भाग जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, अगर गाड़ी के इंजेक्टर का करंट अगर भाग जाएगा साहेब आलम जी, तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंजेक्टर पर करंट आता किस चीज़ से, वो आता है ईसीयू से। ईसीयू से कैसे आता है, वो सिग्नल लेता है क्रैंक सेंसर से और कैम सेंसर से। अगर क्रैंक सेंसर खराब होगा तो ईसीयू को सिग्नल नहीं जाएगा, क्योंकि टीडीसी पोजीशन का जो सिग्नल है वो क्रैंक सेंसर बताता है और कैम सेंसर बताता है। बेसिकली क्रैंक सेंसर पोजीशन चेक करता है कौन सा सिलेंडर किस फायरिंग पे आने वाला है, तभी वो फ्यूल इंजेक्टर को या स्पार्क प्लग को करंट देने का काम करता है ईसीयू। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, फ्यूल इंजेक्टर पे करंट क्यों नहीं आ रहा। मोस्टली ज़्यादातर फ्यूज खराब हो जाएगा ईसीयू का तो भी करंट नहीं आएगा, रिले खराब हो जाएगी ईसीयू की तो भी करंट नहीं आएगा। अगर क्रैंक सेंसर डैमेज होगा या उसकी वायरिंग ब्रेक होगी या उसका टाइमिंग आउट होगा तो भी फ्यूल इंजेक्टर पे करंट नहीं आएगा। और हाँ, अगर ईसीएम खराब होगा तो भी फ्यूल इंजेक्टर पे करंट नहीं आएगा। तो अगला जो कमेंट है वो है दिव्यांश जी का, और इन्होंने जो कमेंट किया है, सर मेरे टाटा मांजा में स्पीड मीटर में हीटिंग टेम्परेचर रेड पर आ गया था, गाड़ी का बोनट खोलकर देखा, गाड़ी के इंजन के हिसाब से टेम्परेचर नॉर्मल था, कूलेंट भी पूरा था, सर फैन जो है रेड पर सुई के पास आकर चलता है, और सब सर जब एसी चलाते हैं तो फैन की स्पीड भू भू करके चलती है। मैं समझ गया आपकी कार की जो प्रॉब्लम है, बेसिकली आपकी कार में जो प्रॉब्लम है, यानी कि आप जब भी एसी चलाते हैं तो आपकी कार का जो फैन है वो परफेक्टली काम करता है, लेकिन नॉन एसी जो फैन है वो स्लो चलता है, इस तरीके की प्रॉब्लम है आपकी कार में। तो इसके लिए टाटा मांजा बेसिकली होता है कि इन कार के जो रेडिएटर हैं, इंजन के साइज के हिसाब से इनके रेडिएटर हैं वो काफ़ी छोटे दिए हुए हैं, तो जब भी कार का रेडिएटर चोक हो जाता है तो होता क्या कि रेडिएटर तो काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है, और जो इंजन है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि रेडिएटर तो ठंडा रहता है लेकिन इंजन गर्म होता है। वो ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि रेडिएटर चोक है, जब उसके कूलेंट नहीं सर्कुलेट होगा या पानी नहीं घूमेगा तो रेडिएटर ठंडा रहेगा और वो फैन नहीं चलने देगा। और इधर होगा क्या, इंजन गर्म होगा तो वो अंदर डैशबोर्ड में हीटिंग की लाइट शो करेगा। तो आप एक बार आप उसका रेडिएटर क्लीन कराइए, अगर रेडिएटर फैन में प्रॉब्लम होती तो वो एसी पे भी हाई स्पीड में नहीं चलता। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है वो रेडिएटर चौक होने की वजह से आती है, एक बार आप रेडिएटर चेक कराइए। और साथ ही साथ मेरे कहने से आप एक बार उसका वाटर पंप भी चेक कराइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वाटर पंप के अंदर पीछे एक इम्पेलर होता है जो कि पानी को घुमाता है, ओके, अगर वो वाटर पंप का इम्पेलर खराब हो जाएगा तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार आप वाटर पंप और रेडिएटर जो है उसको क्लीन कराइए। अगला जो कमेंट है वो है लाइफ ऑफ फोर्ड एस्पायर 1.5 TDCI डीजल इंजन, और ये कमेंट हमें किया है सनी दियो। तो मैं आपको बता दूं सनी जी, बेसिकली फोर्ड के जो इंजन की लाइफ है, जो 1.5 लीटर जो TDCI जो इंजन आता है, बेसिकली जो फोर्ड इको स्पोर्ट और फोर्ड फिएस्टा न्यू मॉडल फोर्ड फिगो एस्पायर न्यू डीजल कार में जो इंजन आता है, ये तीनों एक इंजन है। और इस कार की जो इंजन की लाइफ है, नॉर्मली आप 3 से 4 लाख किलोमीटर तक बड़े आराम से चला सकते हैं, अगर आप उसको टाइम से मेंटेन करते हैं, कैसे भी कहीं कोई टाइम से कोई सर्विस में कोई डिले नहीं रखते हैं, आप रेगुलर सर्विस या मेजर सर्विस उसकी बड़ी तरीके से मेंटेन रखते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगला जो कमेंट है वो है ससंग जी का, और ये कह रहे हैं, आई हैव ए निसान एक्सेल T31 विथ वाइट ग्रे स्मोक एंड लो पिकअप, प्लीज़ हेल्प। तो मैं आपको बता दूँ ससंग जी, बेसिकली होता क्या है, निसान एक्सेल जो मेरे पास अभी तक कार आई है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो आई है वाइट स्मोक की, और वो जब आती है या तो टर्बो चार्जर लीकेज होता है तब, या फिर इस कार में DPF होता है। DPF बेसिकली डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर होता है, जब वो चौक हो जाता है तो उसको रीजनरेट करना पड़ता है। रीजनरेट करने के लिए आपको कार के अंदर स्कैनर लगाना होगा और कार को स्टार्ट रखना होगा समथिंग 20 से 30 मिनट तक, और जब आप स्कैनर लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट आपको करना होता है। जो कार के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, आपकी कार लो पिकअप भी ले रही है, वो उसी की वजह से, क्योंकि मेरे पास जो अभी तक एक्सट्रील आई है मैं सभी में DPF रीजनरेट किया है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आप उसका टर्बो वगैरह कहीं चेंज ना करा लें, उससे पहले आप पहले एक बार उसका DPF को रीजनरेट करा के चेक जरूर कराइए, अन्यथा बेकार में पता पड़ा उसमें जो टर्बो चार्जर वो आपने चेंज करा दिया, ओके। तो जैसा कि फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल जवाब या सुझाव है मेरे लिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते जल्दी नई क्यों वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी।